अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है आठवां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं जो इफ्तारी बना रही हूँ आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं दो ही डिश बना रही हूँ इफ्तारी के लिए। हम सिर्फ चिकन विंग्स खाएंगे, उसको मैं शेज़वान सॉस में टॉस करूँगी। और यहाँ मैं आज वाइट चिकन की ग्रेवी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए भी अभी हम इसे मैरिनेट करके रख देंगे। ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के रखी हूँ, तो आइए आपको मैं बताऊँ। सबसे पहले जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। मैं दोनों को साइमल्टेनियसली मैरिनेट कर रही हूँ, सो दैट हमारा टाइम भी बच जाए और हो भी जाए दोनों। इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसमें हम 1/2 टीस्पून डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो मसाले मैंने निकाली हूँ वो आधे इसके हैं और आधे विंग्स के हैं और आधे ग्रेवी के। सबसे पहले ब्लैक पेपर पाउडर हम डालेंगे। दोनों में जो डालने वाली वो मैं आपको पहले बता रही हूँ। इसमें जाएगा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। उसके बाद अब दोनों में हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा विनेगर। विनेगर अंदाजे से डालना है, लाइक इसमें 1 टीस्पून के हिसाब से, और इसमें भी 1 टीस्पून। इससे जो चिकन की स्मेल रहती है वो भी निकल जाएगी और चिकन जल्दी हमारी नो अंदर से जूसी बनेगी और जल्दी कुक हो जाएगी। अब सोया सॉस हम सिर्फ चिकन विंग्स में डालेंगे, ठीक है। ओह एक सेकेंड खुल गया। तो सोया सॉस हम सिर्फ चिकन विंग्स के मैरिनेशन में डालेंगे। 1 टेबल स्पून के हिसाब से हम डालेंगे इसको, ठीक है। अब हमारे जो चिकन विंग्स है उसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है, तो इसको सिर्फ अभी हमें मिक्स करके रखना है, और जब हम इसे फ्राई करेंगे तभी हम इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, ठीक है। अभी ये थोड़ा साइड में रख देते हैं। अब ये जो हमारी वाइट ग्रेवी हम बना रहे हैं, तो इसमें अभी हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाले, विनेगर डाले और ब्लैक पेपर डाले। चिकन विंग्स में सॉल्ट भी ऐड करना है, मैं भूल गई, बाद में ऐड कर दूंगी। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, ठीक है, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। समझ नीचे गिर गई, कोई बात नहीं, दूसरी ले लेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें कोरिएंडर पाउडर का भी ऐड कर देंगे। अब दोनों में सिर्फ सॉल्ट डालना है, सॉल्ट में निकालना भूल गई थी। इसको भी मैरिनेट करके रख देंगे, उसको भी मैरिनेट करके रख देंगे। और ये जो वाइट ग्रेवी हम बना रहे हैं उसके लिए हमें काजू को भी, काजू का भी पेस्ट बना के रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप भिगा के रख सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही बना दूंगी। तो काजू के पेस्ट में हम उस टाइम पे ग्रीन चिली और कोरिएंडर भी ऐड करेंगे। तब मैं पेस्ट बनाऊंगी, तब मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो अभी इसको मैरिनेट करके हम फ्रिज में रख देते हैं। जो ग्रेवी की हम चिकन मैरिनेट कर रहे हैं उसमें हमें दही भी ऐड करना है, मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो यहाँ मैं 1 टेबल स्पून और गिरना चाहिए 1/2 टेबल स्पून इतना मैं इसमें दही ऐड करके इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख दूंगी। अभी मैं अभी ग्रोसरी के लिए भी जा रही हूँ, मुझे ऑयल वगैरह लेके आना है, तो साथ में मैं क्रीम का भी एक छोटा सा पैकेट लेके आऊंगी, तो फिर हम इसमें वो भी ऐड करेंगे आने के बाद। अगर आपके पास क्रीम नहीं है, मतलब फ्रेश क्रीम वगैरह नहीं है, तो आप जो दूध के ऊपर की मलाई रहती है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको कवर करते हैं और फिर फ्रिज में रख देते हैं। मैंने थोड़ा सा क्लीन करती हूँ। अब मेरे पास ये रैपर्स है जो कवर्स है, तो इससे मैं इसको अच्छे से रैप कर दूँगी और फिर हम इसे इफ्तारी तक का मैरिनेट होने लगूंगा। आता एक घंटा भी रखे तो भी चलेगा, नहीं टाइम है तो 15 मिनट्स रखिए वो भी चलेगा। और ये जो कवर्स है ये मैंने अमेजोन से ली थी, अगर चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से बाय कर सकते हो। इसको फ्रिज में रखते हैं, फिर आपसे शाम में। बाहर थोड़ा मदीना स्टोर ऑयल वगैरह लेना है, मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, तो आइए लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बस बॉम्बे स्टोर है, यहाँ हम आए हैं, बहुत अच्छे स्वीट्स वगैरह मिलते हैं, तो हम लोग आज मालपुआ लेने आए हैं यहाँ पे। तो मालपुआ लेंगे, इनकी जलेबी भी औसम रहती है, इनके स्वीट्स भी बहुत बहुत अच्छे रहते हैं। ये हमारी फेवरेट जलेबी, हम लोग यहाँ से ही लाते हैं। ये इन्होंने थोड़ा लगा के भी रखे, तो वी हैव टेकन मालपुआ फ्रॉम हियर।
रिमेम्बरिंग बॉम्बे. इनके स्टोर का नाम भी बॉम्बे स्टोर है. बट इट्स वेरी गुड, दे आर वेरी गुड आइटम्स एंड दे आर वेरी टेस्टी. टेलर के नाम ये वाला टेलर है. यहाँ पे मैंने बुरखे दिए छोटे करने के लिए, तो वो ले लेते जाके और फिर जाते हैं घर पे और आपसे मिलते हैं इफ्तारी की तैयारी. हम लोग आ गए घर. आज हम लोग ने ये समोसे लाए हैं ट्राई करने के लिए अल कबीर के. दिस इज चीज समोसा एंड दिस इज दीज आर चिकन समोसास. तो और साथ में हम लाए हैं कड़क पाव. इसको आज मस्त कड़क कड़क चाय से खाएंगे, मजा आ जाएगी. तो फिर बताएंगे आपको. है तो मस्त क्रिस्पी. फिर विल शो के अच्छे थे या नहीं. साथ में हम लोग ने मालपुआ भी लेके आया, जैसे अभी वीडियो में आपने देखे. और फ्रूट है, मैंगो एक बचा था वो है. और अभी निकालते हैं अंदर से चिकन विंग्स और उसकी भी तैयारी स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ चिकन विंग्स मैरिनेट हो गए. अब इसमें कॉर्नफ्लोर और डालेंगे मैदा. इसको कोट करेंगे और जल्दी से इसको फ्राई करेंगे. फिर इसका हम सॉस बनाएंगे. सॉस सिंपल है, कुछ नहीं है. बस थोड़े से ऑयल में हम डालेंगे शेजवान सॉस या शेजवान चटनी जो भी अवेलेबल है. और साथ में थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे. बस उतना ऐड करके इसको उसमें बस टॉस करना है. तो वो मैं आपको प्रोसेस अभी बता देती हूँ. लेट फास्ट हो जाता है तो ना शूट करने मिलता नहीं है. तो अभी इसको मिक्स करके फ्राई कर लेते हैं. यहाँ ये मैंने कॉर्नफ्लोर मैदे को मिक्स कर दिया. अब इसको एक एक उठाएंगे और बिस्मिल्लाह बोल के इसमें डालेंगे. तेल को पहले आप हाई फ्लेम पे यू नो गरम कीजिए. उसके बाद उसको मीडियम फ्लेम पे सारे विंग्स हम फ्राई कर लेंगे बिस्मिल्लाह. आज हमारी इफ्तारी यही है, चिकन विंग्स और साथ में हम जो समोसे लेके आए हैं अल कबीर वाले वो इंशाल्लाह करेंगे फ्राई. और रात के लिए जो ग्रेवी मैंने मैरिनेट करके रखी आपसे बताई वो मैं जब बनाऊंगी तो आपसे आगे का प्रोसेस का शेयर कर दूंगी. तो चलिए फ्राई करते हैं फिर आपसे मिलते हैं. तो जब तो हमारे विंग्स फ्राई और उसका सॉस फटाफट रेडी कर देते हैं. तो मैंने 1 teaspoon डाली है तेल. अब इसमें डालेंगे शेजवान चटनी. एक सेकेंड में छोटी चम्मच लेती हूँ, अटक रही है. जितने आप विंग्स ले रहे हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं शेजवान चटनी, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है. ठीक है, यहाँ मैं 3 tablespoon डाल रही हूँ भर के. और इसमें अभी मैं 1 teaspoon शुगर ऐड करूँगी. शुगर मिस मत करना, फीके लेस से ही उसका नाइस और शाइनी ये आता है, टेक्स्चर आता है. और वो अच्छे से वो स्टिकी स्टिकी हो जाता है, स्वीट एंड स्पाइसी. इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करके रख देंगे. एक बॉयल आ जाएगा फिर हमें बंद कर देना. अभी ये मिक्स हो गया अच्छे से, इसके बबल्स भी आ गए. अभी इसी पॉइंट पर मैं इसे बंद कर दूँगी. मैं अभी विंग्स फ्राई हो गए तो इसको निकाल के यहाँ मैं जाली में रख रही हूँ. हमेशा मैं फ्राई चीज़ ना जाली में ही रखती हूँ. इससे क्या होता है कि उसका ऑयल भी निकल जाता है सारा, प्लस वो सॉगी भी नहीं होता. और यहाँ हमने अल कबीर वाले समोसे यहाँ निकाले छोटे छोटे से चीज़ वाले. तो पहले ये विंग्स कंप्लीट कर लेते हैं फिर जल्दी से हम समोसे बना लेते. और वहाँ सॉस भी रेडी हो गया है. तो ये जो विंग्स हमने फ्राई की बस इसको इसमें टॉस करना है. गैस भी आपको ऑन नहीं करना है, कुछ नहीं करना. ये विंग्स को बस इसमें हमें टॉस कर देना है बस. समोसे डालते विंग्स हो गए तो बिस्मिल्लाह बोल के डालते. थोड़ी उड़ेंगे बिकॉज हम लोग अभी लेके आए ना इसको, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है इसलिए वो फ्रीज ही हुए थे. थोड़े बाहर निकाल के रखेंगे फिर उसके बाद आप डालो तो बेटर है. एक्चुअली देखते कैसे है, इसका रिव्यू देंगे आपको इंशाल्लाह जब हम इफ्तारी को बैठेंगे. हम बना रहे हैं दूध में फालूदा स्टाइल. तो पहले थोड़ा सा दूध डालेंगे, थोड़ा नहीं डालेंगे मतलब आधा डालेंगे क्योंकि आइसक्रीम भी डालना है ना, फिर वो ओवरफ्लो ना हो जाए. तो पहले हम हाफ ग्लास दूध डालेंगे दोनों में. बहुत दिन से हम लोग सोचे थे दूध का बनाते फिर वो रह ही जाता है, तो सब रह ही जाता है. फिर इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी बेसिल सीड्स, जो आजकल मेरे फेवरेट है, तुक मलंगा जो मुझे न्यू सीखने मिला यहाँ पे कि इसको बोलते. इसको डायरेक्ट मैं डाल रही बिकॉज वो नो फुल जाएंगे अपने आप ही. अभी इतना टाइम नहीं कि मैं उसको अलग से ये करूँ. साथ में डालेंगे रूह अफ़ज़ा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओहो सही खुशबू आ रही है. बिस्मिल्लाह पहले इतना ही डालेंगे. लेकिन मैंने नोटिस किया कि इंडिया का जो रूह अफ़ज़ा है वो ज़्यादा मीठा है, यहाँ का रूह अफ़ज़ा उतना मीठा नहीं रहता, बहुत डालना पड़ता है. यहाँ आइसक्रीम वैनिला आइसक्रीम लेके आए थे हम लोग,
तो वो डालेंगे। इसको कहाँ से खोलना है, और इसमें थोड़ा भी वैनिला आइसक्रीम भी ऊपर से डाल देते। बिस्मिल्लाह, ओह स्प्लैश हो गया, कोई बात नहीं, चलते इसमें भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह अरमान रही, और थोड़ा सा ऊपर से भी प्यारा सा, है ना, मस्त एकदम अच्छा लग रहा है। तो यहाँ जो सॉस हमने बना के रखे थे और यहाँ विंग्स फ्राई करके हो गए हैं, तो अभी विंग्स को डायरेक्टली इसमें हम ऐड करेंगे और बस इसे हमें सॉस में टॉस करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। फाइनल लुक यही है इसका, और साथ में चाहिए तो आप ऊपर से स्प्रिंग अनियंस ऐड कर सकते हैं, सेसमी सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यह हमारी इफ्तारी हो गई है रेडी, अभी अजान का वेट करते हैं, दुआ में बैठते हैं। तो समोसे लाए तो ये वाला है चीज़ का, ये हम लोग को अच्छा नहीं लगा, पता नहीं चीज़ में कुछ अजीब सी स्मेल है या ये कुछ डिफरेंट चीज़ है जो हम लोगों ने कभी खाए नहीं है। तो इसका रिव्यू, तो ये हमें तो नहीं पसंद आया पर्सनली। फिर के चिकन समोसा खीमे वाले, ये बहुत यमी है, ये हम लोग को बहुत अच्छे लगे, इसको मैं 8 out of 10 दूंगी। और चीज़ वाला तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो 3 out of 10 है, बट ये वाले बहुत अच्छे माशाल्लाह, ये आप ट्राई कर सकते हैं, इट्स रियली नाइस। चलिए गाइस अभी वो चिकन की ग्रेवी बना लेते हैं, ये जो मैरिनेट करके रखे थे वो अभी हम ऐड करेंगे। यहाँ मैंने पेस्ट बना के रखी, इसमें मैंने 10-12 काजू डाली हूँ और 1/2 cup कोरिएंडर है और 2 से 3 ग्रीन चिलीज है। तो पहले यहाँ मैंने गैस ऑन करती हूँ, अभी मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं डाली हूँ, डायरेक्टली हम पहले जो चिकन है हमारी वो डायरेक्टली ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, ऑयल मैंने अभी तक नहीं डाली, अभी नहीं डालूंगी मैं, पहले चिकन को हम ऐड कर देंगे इसमें, इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। तो यहाँ अभी मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाली हूँ, पहले मैंने ऑयल नहीं डाली, पहले चिकन को हमें ऐसे ही डाल के उसको 30 seconds के लिए अच्छे से सॉटे करना है हाई फ्लेम पे। उसके बाद फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, और अभी मैंने इसमें ऑयल डाली हूँ 3 से 4 टेबलस्पून, या जितनी भी क्वांटिटी आप चिकन की ले रहे हो उस हिसाब से। अब जो हमने जो ये पेस्ट बना के रखे है ये मैं इसमें ऐड करूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसी में फिर पानी ऐड करके और इसमें हम ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी बनती है ये ग्रेवी माशाल्लाह, जितनी चिकन को हम मैरिनेट करके रखेंगे उतना उसका अच्छा फ्लेवर आएगा। और काजू को भी मैंने भिगा के नहीं रखी थी, डायरेक्टली आप पानी डाल के पीस सकते, ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो भिगाओ, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो अब इसमें मैं 1/2 glass तक का पानी ऐड करूंगी और फिर इसको लिड लगा के हम कुक होने देंगे, एंड देन डन। इसके बाद बस हमें इसमें क्रीम ऐड करना है, कुकिंग क्रीम, जब हमारी चिकन ऑलमोस्ट डन हो जाएगी तभी। तो अभी इसमें पानी डालती हूँ और लिड लगा के रखती हूँ, फिर जब चिकन पक जाएगी फिर आपको दिखाते हैं। मेरी ऑलमोस्ट हो गई और यहाँ मैंने ये वाला कुकिंग क्रीम यूज़ की हूँ, तो ये मैंने 2 tablespoons इसमें ऐड की हूँ। अब इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और चिकन को पूरी कुक होने तक रख देंगे, एंड देन इट इज़ डन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन रेडी हो जाएगी, बहुत अच्छी बनती है, आप ट्राई करना, सबको बहुत बहुत पसंद आई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।